हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? और ये आप सामने देख सकते हैं, TSLT09A प्रोजेक्टर है। नेटिव फुल HD 1080p है, अप टू 4K वीडियो सपोर्ट है। ठीक है, बाकी प्रोजेक्टर ये अभी यहाँ पे रखा हुआ है मैंने, प्रोजेक्टर ऑन हो रहा है। ये आप देख सकते हैं, एंड्रॉयड 9 है, 1 GB रैम, 8 GB रोम है प्रोजेक्टर के अंदर। डिजिटल 4D की स्टोन वगैरह सभी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो है 16 फीट 6 इंच की डिस्टेंस पे प्रोजेक्टर रखा हुआ है इस वक्त, और काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस यहाँ देखने के लिए मिल रही है। आप इस प्रोजेक्टर से 250 इंच तक का स्क्रीन साइज़ बना लेंगे, ब्राइटनेस बहुत ही अच्छी देखने के लिए मिल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फुल डार्क रूम में, डे लाइट में यदि आपको चलाना है तो आप 120 इंच का स्क्रीन साइज़ बनाकर चला सकते हैं। TSLT09A प्रोजेक्टर है, फुल HD 1080p अप टू 4K, एंड्रॉयड 9, 1 GB रैम, 8 GB रोम। मैं आपको स्क्रीन साइज दिखा देता हूं, ये आप देख सकते हैं 180 इंच का स्क्रीन साइज लगभग बना हुआ है। ये 180 इंच, 170 से 180 इंच के बीच का स्क्रीन साइज है दोस्तों, ये जो इस वक्त आप सामने देख रहे हैं। और ब्राइटनेस जो है 5000 लुमिनेंस की ब्राइटनेस है, ANSI लुमिनेंस 300 है, लेकिन मूवी देखने के लिए आप बिल्कुल डार्क रूम में आराम से इसमें देख सकते हैं, फुल एंजॉय कर सकते हैं प्रोजेक्टर को, बिल्कुल मूवी पर्पस से ही बना हुआ है। काफ़ी अच्छी क्लियरिटी यहाँ देखने के लिए मिल रही है प्रोजेक्टर में। और जो मैं देख रहा हूँ अभी, टेक्स्ट वगैरह सब क्लियर ही नज़र आ रहा है, ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छी दिख रही है प्रोजेक्टर की। और यहाँ पे देखिए, मैं आपको वो सेटिंग दिखा देता हूँ शॉर्टकट के अंदर। यहाँ इनपुट सोर्स का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ये आपको रिमोट में भी मिलता ऑप्शन ये वाला। यहाँ ऐप जो आप डाउनलोड करते हैं उसे अपडेट करने के लिए यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा आपको। यहाँ सेटिंग मिल जाएगी, सेटिंग में आपका वाईफाई अकाउंट, यहाँ ईमेल आईडी वगैरह डाल सकते हैं आप। यहाँ ऐप डिटेल मिल जाएगा, डिवाइस परफॉर्मेंस यहाँ दिख जाएगा, अबाउट ये आप देख सकते हैं। मैं यहाँ एक दिखा देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं सभी सेटिंग। यहाँ लैंग्वेज मिल जाएगा आपको, कीबोर्ड सेटिंग मिल जाएगा, स्टोरेज 8 GB, यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज मिलेगी आपको। प्रोजेक्टर रीसेट कर सकते हैं यहाँ से, ब्लूटूथ सेटिंग मिल जाएगा, यहाँ से ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं आप, जो भी ब्लूटूथ डिवाइस अवेलेबल होगा यहाँ पे शो हो जाएगा। आप यहाँ से ब्लूटूथ अपना होम थिएटर वगैरह भी कनेक्ट कर सकते हैं। पिक्चर क्वालिटी आपको यहाँ पे पिक्चर सेटिंग भी मिल जाएगा, ये आपके सामने जो भी सेटिंग है, यूजर स्टैंडर्ड विविड और मूवी। ठीक है, कलर टेम्परेचर आपका यहाँ मिल जाएगा आपको, स्टैंडर्ड कूल यूजर और वार्म, जो आपको रखना आप रख सकते हैं यहाँ से, यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। यहाँ साउंड सेटिंग मिल जाएगी, स्टैंडर्ड मूवी म्यूजिक यूजर यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। और ये जो दो ऑप्शन है आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, आपको बेस टेबल कुछ भी बढ़ाना हो तो। प्रोजेक्शन सेटिंग है, इंस्टॉल मोड दिया हुआ है यहाँ पे, यदि आपको स्क्रीन रोटेट करना तो आपका स्क्रीन जो है यहाँ पे रोटेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और डिजिटल 4D की स्टोन यदि आपको स्क्रीन सेट करना है तो आप यहां से जो स्क्रीन कॉर्नर टू कॉर्नर सेट कर सकते हैं। पर मैं आपको ये बोलूँगा, बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए आप प्रोजेक्टर को बीच सेंटर में ही रखिए,
20 सेंटर में आप रखते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा यहाँ एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, इसको आप रीसेट भी करें तो रीसेट का ऑप्शन भी मिल जाएगा, वापस जैसा स्क्रीन था वैसा हो जाएगा बिल्कुल। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली यहाँ पे भी आपको ये चीज़ भी मिल जाती है, यदि आपका प्रोजेक्टर थोड़ा बहुत तिरछा रखा हुआ है तो आप यहाँ से स्क्रीन अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा लेफ्ट राइट में यदि प्रोजेक्टर आता है तो आप यहाँ से वो भी स्क्रीन सेट कर सकते हैं। वर्टिकली करेक्शन यहाँ मिल जाएगा आपको। ठीक है, ज़्यादा हाइट पे या एकदम नीचे अपन रखते हैं किसी चेयर पे, या अपन एकदम नीचे रख देते हैं फ्लोर पे ही रख देते हैं, तब ये सेटिंग दोस्तों काम आती है। ठीक है, पर देखिए आप प्रोजेक्टर को 20 सेंटर में रखिए, आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। डिजिटल जूम इन भी मिल जाएगा यहाँ पे, देखिए आप स्क्रीन यहाँ पे छोटा भी कर सकते हैं, इस तरीके से आपका स्क्रीन छोटा भी हो जाएगा। ठीक है, आप स्क्रीन जो है छोटा भी कर सकते हैं और काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे आपको क्या फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे इसमें। और एक्सपर्ट मोड यहाँ पे आपको 16:9 4:3 का मिल जाएगा। तो ये जो सेटिंग थी लगभग मैंने आपको दिखा ही दी है, फिर भी आपको कुछ देखना तो आप मुझे कमेंट करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, कॉल करें, जो भी डाउट्स होंगे आपके क्लियर हो जाएंगे, जो भी होगा छूट रहा होगा यदि कुछ भी तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ऐप्स वगैरह आप यहाँ देख सकते हैं, एप स्टोर आपको यहाँ मिल जाएगा। और ये आपका मिरर स्क्रीन जो होता है, स्क्रीन कास्ट हम मोबाइल करते हैं, यहाँ पे अच्छी स्क्रीन कास्टिंग आपको मिलेगी, लैगिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं आएगा यहाँ पे आपका। जो आप यदि USB वगैरह कनेक्ट करते हैं तो वो आपका यहाँ कनेक्ट हो जाएगा USB। ठीक है, यहाँ सेटिंग आपको मैंने दिखाई दी है, यहाँ YouTube आपको मिल जाएगा और VPS ऑफिस एयर स्क्रीन ये सब जो है इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो है मैं इसमें कोई वीडियो आपको प्ले करके दिखा देता हूँ 4K का। प्रोजेक्टर का साउंड भी काफी अच्छा है, आपको जो है इसमें 10 वाट का एक स्पीकर मिल जाएगा, तो आप इसमें देखो मैं आपको क्लियरिटी दिखाता हूँ उसके अंदर, बस कॉपीराइट ना आए, कई वीडियो चलाने में मुझे यही लगता है कि कहीं कॉपीराइट ना मार दे ये। उसमें क्या होता है कि अपना वीडियो फिर डिलीट करना पड़ जाता है दोस्तों, सारी मेहनत जो है ज़ाया हो जाती है। मैं आपको 10-10 सेकंड यहाँ चला के दिखाता हूँ, ये देखिए आप ऐड देख लीजिए, इस पर तो कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। और वॉइस भी देखिए काफ़ी इनफ है, जितनी होनी चाहिए उतनी वॉइस है। क्लियरिटी आपको बहुत ही बेस्ट देखने के लिए मिलेगी। Typical beginner's mistake. Yes, yes, they all start from the outside. And will we help? What else? Here, try with Red Bull. Red Bull. Brightness काफी बेहतरीन है प्रोजेक्टर की। क्लियरिटी आपको काफ़ी अच्छी यहाँ देखने के लिए मिलेगी प्रोजेक्टर में, आप देख सकते हैं।
तो दोस्तों आप यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा थोड़ा वीडियो सभी दिखाने की कोशिश करी है क्लियरिटी, क्योंकि अधिकतर कमेंट आते हैं कि सर आप 4K वीडियो ही चलते हैं। तो दोस्तों अभी मेरे को किसी ने ये भी सजेस्ट किया है इसमें कि आप इसमें सर 10-10 सेकंड करके आप चलाइए, तो आपका कॉपीराइट नहीं आएगा उसमें। तो मैं इस तरीके से चला के बना के डाल रहा हूँ, देखते हैं कॉपीराइट ये स्ट्राइक या क्लेम नहीं आता है, तो फिर मैं कंटिन्यू रखूँगा इसको। बाकी ये तो सिर्फ एक ट्राई किया था मैंने, बाकी मैं 4K वीडियो ही आपको प्ले करके दिखाता हूँ। यहाँ पे यहाँ आप देख सकते हैं क्लियरिटी तो दोस्तों बहुत जबरदस्त है प्रोजेक्टर की, आपको बिल्कुल मजा आएगा प्रोजेक्टर में। आपको ये प्रोजेक्टर 14,500 में मिल जाएगा मेरे पास 1 ईयर वारंटी के साथ में 14,500 में, और कैश ऑन डिलीवरी हो जाएगी। 500 रुपीज़ आपको पहले कंफर्मेशन का देना होगा। 14,500 में से आपको 500 रुपये जो आप कंफर्मेशन देंगे वह माइनस हो जाएगा, आपको सिर्फ 14,000 पे करना होगा। और बाकी बेस्ट प्राइस के लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट करें, जो भी बेस्ट प्राइस होगा वो मैं आपको करके दूंगा प्रोजेक्टर में। जब पार्सल आपके पास पहुंचता है तब आप वहां पेमेंट करके आपका पार्सल रिसीव कर सकते हैं, इस तरीके से डिलीवरी हो जाएगी। आपको आप मुझसे कांटेक्ट करें, और ज़्यादा जानकारी के लिए प्रोजेक्टर परचेस करने के लिए कांटेक्ट करें। मेरा कांटेक्ट नंबर आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से रात के 12 बजे तक आप कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं मुझे, और क्लियरिटी आपको काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिलेगी प्रोजेक्टर में। इस प्रोजेक्टर से आप 250 इंच तक का स्क्रीन साइज बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। प्रोजेक्टर यहाँ रखा हुआ है, TSLT09A प्रोजेक्टर है। क्लियरिटी आपको काफ़ी शानदार देखने के लिए मिलेगी प्रोजेक्टर में। तो दोस्तों प्रोजेक्टर परचेस करने के लिए और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आप मुझसे बिल्कुल कांटेक्ट करें। और ये 170 इंच से 180 इंच के बीच का स्क्रीन साइज़ है। बाकी प्रोजेक्टर में आपको पोर्ट जो है 2 USB पोर्ट मिल जाएगा, 2 HDMI, 1 AUX पोर्ट और 1 AV पोर्ट और VGA पोर्ट मिलेगा। ये सब आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपका कुछ भी डाउट्स हो आप मुझसे कांटेक्ट करें, आपको जो भी होगा आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।